नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 98 वो आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क में, प्रैक्टिस के लिए भी होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी है आपका 353, ये आपको दिख रहा होगा, इसमें 100 प्लेस वैल्यू तक डिजिट है, मतलब 3 डिजिट नंबर है, फिर भी हमें इसको क्या करना है, नियरेस्ट 10 करना है, तो हम 10 10 का डिफरेंस ही लेके चलेंगे, ठीक है, 100 का मत ले लेना। तो हम 10 10 का डिफरेंस कैसे लेंगे, यहाँ पे हम ले लेते हैं 320, ठीक है, 330, 340, 350 एंड 360, ठीक है। देख लिया हमने 300 में 20, 30, 40, 50 एंड 60, ठीक है, तो हमने 10 10 का डिफरेंस यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। अब हमें दिख रहा है 353 जो है वो किन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में लाई करेगा, ठीक है। अब ज़्यादा क्लोजेस्ट किसके होगा, 53 है, ठीक है ना, तो 53 वाला नंबर जो है आपको दिख रहा है वो किस 5 से क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक है ना, तो 3 जो होगा स्मॉलर देन 5 से स्मॉल होगा, ठीक है, क्योंकि टेंस में देखना नियरेस्ट 10 है, तो हम उसका ये वाला वंस वाला नंबर देखेंगे, तो क्या होगा ये 5 से स्मॉल होगा, ठीक है, तो ये किसके ज़्यादा क्लोजेस्ट हो जाएगा, 350 के। यदि ये 5 से ग्रेटर देन होता तो हम किसके क्लोजेस्ट कर देते इसको, 360 के, ओके। सो यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे, 353 इज क्लोजर टू 350 देन 360, सो 353 इज राउंडेड ऑफ टू 350, ओके, ये हो जाएगा इस टाइप से आपका आंसर, ठीक है। एक और देख लेते हैं, कोई भी, सपोज हमने देख लिया क्वेश्चन नंबर ई, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ई है आपका 3425, ठीक है। अब ये क्या है, आपका 1000 प्लेस वैल्यू है, ठीक है ना, यहाँ पे 4 डिजिट नंबर है, पर डिफरेंस हमें कितने का लेना है, 10 10 का ही लेना है, ठीक है, तो हम इस टाइप से ले लेंगे 3400 10 3420 3430 and 3440 and 3450, ठीक है। तो अब जो 3425 है वो किन दोनों के बीच में लाए करेगा आपका, ये करेगा 20 और 30 के बीच में। अब 25 जो है, 25 बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये मिड पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है, क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। जब भी हमने बोला था मिड पॉइंट हो, तो हम एक उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला नंबर लेंगे, मतलब एक बढ़ता हुआ आप नंबर लेंगे, मतलब उसका नेक्स्ट नंबर लेंगे, तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3430, ठीक है, क्योंकि ये मिड वाला नंबर है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखेंगे, 3425 कौन सा है अपना, 3425 इज एट द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम किससे, 3420 and 3430, so it is rounded off to 3430, ठीक है। एक हम इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला नंबर ले लेंगे, मतलब उससे बढ़ते हुए वाला, तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा उसका, 3430, तो इसके अकॉर्डिंग हम उसकी क्या कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे, ठीक है।
नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर जी. ठीक है, जो भी मैं इसमें लीव कर रही हूँ वो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, जैसे कि आपका बी डी और एफ और यहाँ पे एच, जी ये नंबर, ये क्वेश्चन जो है हमने क्या कर दिए, लीव कर दिए, तो ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है. नाउ यू हैव टू डू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर जी हो जाएगा 12,643. ठीक है, तो हम इसकी एक नंबर लाइन बना लेंगे. ठीक है, 10-10 का डिफरेंस ही रखेंगे, तो आपके आगे वाले नंबर तो सेम हो जाएंगे 12,600. अब यहाँ पे 43 से तो हम यहाँ पे क्या 20 ले ले रहे. ठीक है, 12,630, 12,640 एंड 12,650, इट इज़ सफिशिएंट. ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका 43 किन दो नंबर्स के बीच में लाया करेगा, 40 और 50 के बीच में. ठीक है, अब आप देख रहे हो 43 में 3 जो है, 3 जो क्या है, स्मॉल है 5 से, तो इसके आगे वाला है हम नंबर ले लेंगे, सॉरी पीछे वाला. ठीक है, मतलब इससे जो एक कम है. ठीक है, जस्ट बिफोर वाला नंबर क्या हो जाएगा इसका 12,640, तो हम क्या लिख देंगे 12,643 इज किसके ज़्यादा क्लोजर है, क्लोजर टू 12,640 देन 12,650. ठीक है, सो 12,643 इज राउंडेड ऑफ टू 12,640. ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर. ठीक है, नाउ वी लुक क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड में अपन को राउंड ऑफ करना है किसके नियरेस्ट, 100 के नियरेस्ट. ठीक है, तो राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट 100. ठीक है, नियरेस्ट 100 आपको क्या करना है, उसको राउंड ऑफ करना है. फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. आपका फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सेकंड का ए. ठीक है, क्या है आपका 895. ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे कितने का डिफरेंस लेना, 100 का. क्यों, क्योंकि यहाँ पे नियरेस्ट 100 दिया हुआ है. ठीक है, तो हम यहाँ पे ले ले रहे हैं. अब 800 है तो आप चाहो तो यहाँ से 600 से लिख सकते हो. ठीक है, 600 फिर 700 देन 800 900 एंड 1000. ओके, अब जो 895 है आपका, 800 और 900 के बीच में लाई करेगा. अब यहाँ से हमें देखना है 100 के लिए हम कौन सा वाला नंबर देखेंगे, टेंस वाला. ठीक है, उससे एक कम वाला नंबर देखते हैं 5 से, जब भी हम कंपेयर कराते हैं. तो जो 9 है वो क्या है आपका, ग्रेटर है किससे, 5 से. ठीक है, तो हम कौन सा नंबर लेते हैं, जब भी ग्रेटर होगा तो नेक्स्ट वाला नंबर लेंगे, और जब भी उससे स्मॉल होता है या लेस होता है तो हम कौन सा नंबर लेते हैं, ये उसके पीछे वाला. ठीक है, ध्यान रखना. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 895 इज क्लोजर टू 900 देन 800. सो 895 इज राउंडेड ऑफ क्या हो जाएगा, ये 900. नेक्स्ट क्वेश्चन कोई भी ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर डी ले ले रहे हैं. क्वेश्चन नंबर डी है आपका 80,541. ठीक है, 5 डिजिट नंबर है पर हमें डिफरेंस लेना है 100 का ही. ठीक है, तो हमने यहाँ पे ले लिया 80,000 है तो रहने दीजिए. यहाँ 500 है, 500 से कुछ कम ले लेते हैं, सपोज ले लिया अपन ने 300. ठीक है ना, फिर हमने ले लिया 80,400, फिर हमने ले लिया 80,000
500 एंड 80,600 इट इज सफिशियंट. ठीक है, 4 to 5 नंबर्स ले लीजिएगा, ज्यादा नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे हमने दिख रहा है 5041. ठीक है ना, तो किन दोनों के बीच में लाई करेगा, 500 और 600 के बीच में. आपके लास्ट सीरीज बस नंबर देख लीजिएगा, 5041 500 और 600 के बीच में लाई करेगा. ठीक है, तो हम इसका भी कौन सा नंबर देंगे, टेंस वाला. 100 पर कौन सा है 5 और टेंस पर क्या है 4. 4 जो है वो क्या है, स्मॉलर है किससे, 5 से. ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 80,541 इज closer to 80,500 than 80,600. ठीक है, so 80,541 is rounded off 80,500 to. ठीक है, यहाँ पर 2 लगा लेना, 2. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इज राउंडेड ऑफ टू 80,500. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कोई भी देख ले रहे, सपोज ले ले रहे जी. ठीक है ना, अब तो आपसे बन जाएंगे. ठीक है, और भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है. ठीक है ना, यदि कहीं भी आपको डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हो. यहाँ पे है आपका 1,31,675. ठीक है, हाउ टू रीड आउट द नंबर, वी कैन रीड इट फ्रॉम द राइट हैंड साइड. फर्स्ट इज वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 एंड 100, सॉरी 1,000, 10,000 and lakh. तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, 1,31,675. आपको पढ़ते हुए आना चाहिए नंबर. ठीक है, क्योंकि हम 1.1 में ये सब देख चुके हैं. ठीक है, और यदि नहीं आता तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी. यहाँ पे हम क्या बना लेंगे, एक नंबर लाइन बना लेंगे. क्या हो जाएगा, 1,31,000 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 600 है तो हम ले ले रहे 400 ले ले रहे. ठीक है, 1,31,500, 1,31,600 एंड 1,31,700. ठीक है, अब आप देख रहे हो 675 जो है वो किसके बीच में लाई करेगा, 600 और 700 के बीच में. और टेंस वाला जब हम नंबर देखेंगे तो जो आपका 7 है वो क्या है, ग्रेटर है किससे, 5 से. तो हम कौन सा नेक्स्ट वाला नंबर ले लेंगे, मतलब ये वाला नंबर आ जाएगा आपको, क्लोजेस्ट आपके किसके हो जाएगा, इसकी. ठीक है, वैसे भी आप अगर देखते हैं थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो 675 ज़्यादा क्लोजर किसके होगा, 700 के. ठीक है ना, तो हम यहाँ पे देखेंगे 1,31,675 is closer to 1,31,700 than 1,31,600 से. ठीक है ना, सो 1,31,675 is rounded off to 1,31,700. ओके, ये हो गया आपका आंसर. ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3. इस टाइप से आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, जो भी मैंने लीप करे. ठीक है, रेस्ट ऑफ क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस में है. ठीक है, जो भी मैं करा रही हूँ और जो मैं लीप कर रही हूँ वो आपको
जी जो मैं करा रही हूँ वो तो आपको फेयर कॉपी में करनी है, जो मैं लीव कर रही हूँ वो आपको प्रैक्टिस करना है, पहले रफ कॉपी में फिर आंसर मैच कर लीजिएगा, फिर आप फेयर कॉपी में उसको कर सकते हैं, ठीक है। और मैं भी चेक कर लूँगी, ठीक है। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर थर्ड।